संगे तो आप देख रहे हो क्रेजी गेमिंग संगे चैनल। और आज अपन दोबारा से आपको आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं। और वो वीडियो है कि गाइस वो क्या है कि मतलब मैं आज आपके लिए टाउन हॉल 8 की एक अटैक स्ट्रेटजी लेकर आया हूँ आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए टाउन हॉल 8 की एक पावरफुल अटैक स्ट्रेटजी। तो गाइस मैं आपको बता दूँ कि अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा तो लो लेवल के टाउन हॉल अटैक, तो लो लेवल के टाउन हॉल बेस पे, मतलब लो लेवल मतलब मैक्स लेवल टाउन हॉल बेस पे, मैक्स लेवल टाउन हॉल बेस पे ये वर्क नहीं होगा। और ये वर्क नहीं होगा मैक्स लेवल टाउन हॉल बेस पे, क्योंकि ये अटैक बता दूँ स्ट्रेटजी, ये इसके अंदर मैं लेता हूँ 9 ड्रैगन्स, 2 विज़र्ड और 2 छोटे बारबेरियन और 1 बारबेरियन किंग और 5 लाइटनिंग स्पेल और 1 रेज स्पेल। और सीसी के अंदर अगर आपने 3 हॉक्स लिए तो ठीक है, मतलब मैं बता सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि आपको लेने पड़ेंगे 3। अगर आप 2 बाउलर लिए तो भी चलेगा, अगर 2 हेडहंटर लिए तो भी चलेगा, लेकिन अगर 3 लूंस लिए थे वो भी मैक्स नहीं मतलब चलता 5 लेवल के ऊपर, तो ठीक है अच्छा खासा चल जाएगा अटैक में। तो चलो गाइस अटैक करते हैं। रुको 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 रुको, अपना ब्रू स्पेल ख़त्म कर देंगे। चलो भाई तो चलो गाइस अटैक करते हैं। अपन ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करेंगे ये अपना 3 स्टार ही हो। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना होगा कि आपका के आप जो बेस पर अटैक करोगे वो बेस का एडी जो रहना है ना वो लेवल 5 का रहना चाहिए। अगर लेवल 6 या लेवल 7 का एडी था तो प्लीज़ उस पर अटैक मत कीजिएगा इस अटैक स्ट्रेटजी के साथ। और टाउन हॉल 9 बेस पे भी ये यूज़ नहीं होगा अटैक स्ट्रेटजी, अगर आपने किया तो पक्का हारेंगे। तो गाइस ये आ चुका है अपना एक अच्छा खासा बेस। अरे यार लेकिन गाइस लूट नहीं है, सिर्फ 38,000 लूट है, अच्छा नहीं है, अच्छा वेस्ट था लेकिन अभी क्यों यार, अभी लूट का अच्छा ये करेंगे ना। अरे भाई एक तो वेस मिल जाए यार, एक तो मिल जाए यार यार प्लीज प्लीज। तो गाइस मेरी अनलकी की वजह से आज सिर्फ लाइट पेसेस आ रहे हैं और टोनो लेट मैक्स पेसेस आ रहे हैं। अरे लूट नहीं था अच्छा खासा यार, ये अच्छा खासा लूट क्यों नहीं रहा ओ भाई। तो गाइस कमेंट करो क्या ये बेस पे अपन अटैक करेंगे इटाची एटर्नल मत बा, पहले 3 स्टार करने का है अपन को, कहा तो डिफीट है तो फिर ट्रॉफीज माइनस हो जाते अपने। ओ भाई व्हाट इज दिस गाइस, क्या ही लूट है और बेस भी बहुत नूब है और जीते तो 31 ट्रॉफीज। लूट देखो ट्रॉफीज देखो, मेरी तो लॉटरी लग गई गाइस लॉटरी। तो गाइस यहाँ अपना हो चुका है एडी विजर्ड टावर और एयर स्वीपर डाउन एयर स्वीपर। गाइस आप लाइटनिंग स्पेल वही डालें जहाँ एयर स्वीपर हो ठीक है, और एडी के अपोनेंट में आप ड्रैगन्स डालिएगा वरना फिर हारने के बहुत चांसेस है देखो, क्योंकि छोड़ो यार क्या ही बोले, किंग को बुला लेंगे, नहीं छोड़ो अभी नहीं, लून से बाद में डाउन कर लेंगे, यहाँ एक छोड़ देंगे, यहाँ दूसरा बारबेरियन छोटा था मिनी बारबेरियन बोलेंगे भाई साहब नॉट सुपर बारबेरियन। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा खाली होता जा रहा है और चलो गाइस टाइम आ गया है 2 विज़र्ड छोड़ने का इसी के साथ। और अपन यहाँ छोड़ेंगे ये और एक रेज डाल देंगे यहाँ एकदम खतरनाक तरीके से गाइस। तो गाइस यहाँ अपना एक एडी तो डाउन हो जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा, पक्का यकीन है मुझे एक एडी तो डाउन हो जाएगा यहाँ से। और अपन अभी सॉरी गाइस गाइस दोनों एडी डाउन हो गए हैं और इजीली ये बेस अपना हो चुका है 3 स्टार और विदाउट अपना क्या ही बोले अभी
विदाउट अपना किंग। गाइस किंग डाल दे क्या? चलो गाइस किंग डाल ही देंगे। तो गाइस यहाँ एबिलिटी भी मार देंगे अपने किंग की, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अपना किंग का पूरा ज़्यादा मतलब ये रहे, क्या बोलते हैं यार, फुल क्या है बोलते हैं इसको, तो क्या बोलते हैं इसको समझ में नहीं आ रहा, फुल लाइफ, हाँ फुल हेल्थ, सॉरी फुल हेल्थ। अभी अपने किंग को हील। ओ गाइस स्पेल्स नहीं है यार, व्हाट इज दिस। अपन को दो ही अटैक तो करने के थे भाई, अभी एक ही अटैक करना पड़ेगा गाइस, ये बहुत गुस्सा आता है अपन को। तो गाइस मैं अभी इतने पैसे होने के बावजूद भी क्यों मैं टाउन हॉल 8 मैक्स कर सकता, क्योंकि मैं नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे गाइस मैं सीरियसली बता दूं कि मुझे टाउन हॉल 9 के लिए अपग्रेड करने का इसलिए पैसा जमा कर दूं क्योंकि मुझे बता दो सीरियसली क्यों आपके साथ में मस्ती करूं, मुझे क्वीन चाहिए इसलिए गाइस मैं ये कर रहा हूँ। और मैं ज़्यादा लूट इसलिए देखता हूँ क्योंकि मैं एलेक्जायर भी बढ़ाना चाहता हूँ। तो चलो गाइस यहाँ भी थोड़े मतलब ये रिमूव कर दे और इसको बूस्ट कर देते हैं, अभी क्या ही बोलो यार। सरा सरा बहकता रे जमीन आसमां को थाटा थाटा। चलो गाइस को अपग्रेड कर ले, रख देते हैं 11 बजे हो जाएगा 2 सेकंड में। क्यों अरे क्यों अरे अपन पागल हो गए, ये मजाक चल रहा है, नहीं ये मजाक हो रहा है क्या? चार जेम मिल गए गाइस मुझे, चार जेम मिल गए। तो गाइस यहाँ अपन एक अटैक करते हैं वर्सेस बैटल पे, इस बेस के लिए कौन सा आर्मी अच्छा रहेगा? चलो अपने जेंट वाली आर्मी ले ले। तो गाइस इसके अंदर मेरा बिल्डर हॉल 6 है और इसके अंदर मैं यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करता हूँ ये वाली क्या बोलते हैं इसको, हाँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करता हूँ ये वाली अटैक स्ट्रेटजी इस बेस के ऊपर, क्योंकि क्या है ना गाइस मुझे मतलब तुम छोड़ो यार, मैं क्या ही बोलूँ तुम्हारे को। अरे यहाँ क्यों छोड़ दिया अपन जायंट्स को यार, अपन बुतू है यार। तो गाइस अपन क्यों बोले, यहाँ अपन दो विचेस छोड़ देते हैं गाइस। ये अटैक स्ट्रेटजी बहुत काम आती है गाइस जहाँ तक मुझे मालूम है, क्योंकि इसके अंदर क्यों ये फेल हो गया अटैक, क्योंकि मैंने बहुत गलत ट्रूप्स डाल दिए थे गाइस। सॉरी गाइस अपन माफ़ी चाहता है आपको, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, हे भगवान क्या पाप हो गया, सॉरी। अरे नहीं भाई अपन को सरेंडर नहीं करने का है, क्या खतरनाक पिक्चर्स है मेरे भाई सब, क्या ही बोलूं तो। नहीं पिक्चर्स आ गई रेंज में यार, तुम क्यों रेंज में आ जाते हो? तो चलो यहाँ हमारा हो चुका है 50% और रेड स्टार के साथ, और यहाँ अपन हार चुके हैं। क्या हो गया यार, बहुत अनर्थ हो गया, अनर्थ। डू 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 डू
तो गाइस आपको क्या कर रहे हैं ना, सिंपली से आपको कैनॉन जो है उनको जायंट्स के पीछे छोड़ देने का रहता, क्योंकि अब देखो गाइस आपको मैं बता दूं कि अभी अगर आप कैनॉन जायंट्स के पीछे छोड़ेंगे तो क्या होगा कि जायंट्स इनको मारने में लग जाएंगे और पीछे से अपने कैनॉन बाबा अच्छा खासा, देखो यहाँ अपने डबल कैनॉन डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं जायंट्स को मारने में, और यहाँ अपना कैनॉन पीछे से सबको तबाह कर रहा है। तो गाइस आपको ये मैं बता दूं कि ये अपना अटैक हो चुका है। अरे नहीं 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 यार, ये क्या है भाई, ये क्या है यार, ये क्या है यार। चलो गाइस चलेगा वो भाई, हार चुके अपन। अरे व्हाट इज दिस भाई, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। चलेगा चलेगा गाइस, अटैक कर लेंगे आप, क्यों टेंशन ले गए क्यों। जरा जरा बहकता रे आज तू, पल पल क्यों जमी आसमां को सरकता रे आज तू, पल पल क्यों। सच के रहा है दीवाना, दिल दिल ना किसी से लगाना, तो गाइस यहाँ इसीलिए से हो चुका है अपना 3-स्टार अटैक इस बेस पे। सच के रहा है दीवाना, दिल ना किसी से लगाना, झूठे है प्यार के वादे सारे, झूठे है प्यार की कसमें, मैंने हर लम्हा जिसे चाहा, जिसे पूछो उसी ने यारा मेरा दिल। तो गाइस प्लीज कमेंट में लिख दीजिएगा कि मेरा वॉइस कैसा लगा। चलो गाइस गेम की तरफ ध्यान देते हैं, ये सब फालतू की बातें छोड़ेंगे अभी। तो गाइस यहाँ अपनी ट्रार में ट्रेन नहीं हो रही है, 21 दे देते हैं, लेकिन उसके लिए भी अपन के पास ब्ला 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 के लिए नहीं है। चलेगा भाई चलेगा चलेगा, अपन तीन क्षण नहीं लेगा, तीन क्षण कुछ ऑब्स्टेकल है क्या भाई, रिमूव करके अपन जेब कमा सकते हैं, जैसे पैसे कमाते हैं वैसे अपन भी जिम्स कमाएंगे। अरे भाई इसकी वजह से मेरा वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है और मेरा पास इतना इंटरनेट भी नहीं बचा है अभी। चलेगा चलेगा, हरा उठा रहे हमारे घर पे, मैं भी भूल ही गया था सॉरी। सच के रहा है दीवाना, दिल ना किसी से लगाना। तो गाइस अगले वीडियो में आप, मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक नया अटैक स्ट्रेटजी लेकर आऊं। मैं आपको सिंपली से दूसरे भी अटैक स्ट्रेटजी बता सकता हूँ, रुको एक मिनट, किसके अंदर 3-स्टार हुआ था गाइस ये दूसरा अटैक स्ट्रेटजी कौन सा। हाँ गाइस बोल भाई साहब, गाइस देखो ये टाउन हॉल 7 अटैक स्ट्रेटजी, अगर रुको सॉरी, हाँ गाइस ये खतरनाक पावरफुल आर्मी है गाइस, बहुत ही। देखो ये टाउन हॉल 7 पे मैंने अटैक किया था, लेकिन गाइस देख लो मैंने 2 गोबलिंग्स लिए थे और 5 लूंस लिए थे और 2 वीजर लिए थे और 4 ड्रैगन लिए थे, 3 पेकस लिए थे, सीसी में आई थिंक मैंने कुछ लिया था मुझे भी नहीं मालूम, और सीसी में अपन ने क्या तो लिया था, और 6 का किंग और 4 लर्निंग स्पेल्स, 5 लर्निंग स्पेल्स और हीलिंग स्पेल, हील स्पेल, तो 4x कर देंगे। सीसी में अपने क्या लिया था भाई, क्या लिया था अपने, लूंस ही लिया था लगता है अपन को, क्यों लग रहा है ऐसे। हाँ तो गाइस लूंस ही लिया था अपन ने, ये बहुत खतरनाक रिस्टोर हुआ था गाइस, लेकिन थोड़ा सा मतलब टाइम इशू पड़ गया था आई थिंक, हाँ मतलब पढ़ने वाला था गाइस थोड़ा सा,
बहुत ही खतरनाक हो गया था ये, मतलब ये दो प्रकाश ने क्या ही खतरनाक वैल्यू निकाले भाई साहब। अभी क्या ही बोले, देखो देखो ये फोरेक्स में चल रहा है तो मैं भी फोरेक्स में बातें कर रहा हूँ। अरे यार मजाक कर रहा हूँ। तो मैं सबको दूसरी अटैक स्ट्रेटजी भी बता देता हूँ, रुको। टाउन हॉल 7 बेस पे बोल रहा हूँ, लेकिन टाउन हॉल 7, अगर आप टाउन हॉल 8 पे थे और आपका आगे टाउन हॉल 7 आया तो आप ज़रूर ये वाला अटैक स्ट्रेटजी यूज़ करना। एक मिनट रुको, कौन सा? हाँ ये वाली अटैक स्ट्रेटजी आपने यूज़ करना। इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, 10 हॉक्स लेने पड़ेंगे, 10 वैल्करी लेने पड़ेंगे, 2 गोलेम लेने पड़ेंगे, 2 हिल स्पेल लेने पड़ेंगे, 1 रेज स्पेल लेने पड़ेंगे और 1 अर्थक्वेक स्पेल। ठीक है गाइस, तो आपको क्या कर देना होगा, जैसे मैं यहाँ किया हूँ, आई थिंक मैं यहाँ 2 गोलम डाल के आपको क्या कर देना होगा, ये जो डिफेंस को रहते हैं इनको गोलम पे डाल देना, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं गोलम, और जब डिस्ट्रैक्ट गोलम हो जाते हैं तो अपने हॉक्स पीछे से जाके वो 4 डिफेंस को मार देते हैं। अभी वो 2 आर्चर टावर ही था, 1 विजर टावर था आई थिंक सो, 1 आर्चर था, 1 विजर टावर था और 2 कैनन थे, तो मार दिया अपन ने, छोड़ दिए 3-3 से वैलकरीज अपने 3 फिंगर से। और अपन ने इसके अंदर किंग नहीं लिया था गाइस, वो मेरा किंग थोड़ा हील हो रहा था और अपना किंग नहीं आ पाया था तो थोड़ा दिक्कत हो गया। तो गाइस ये 3 स्टार हुआ है, मुझे मालूम है ये 3 स्टार ही हुआ है। अभी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, रुको। भाई ट्रुप स्टैंड हो गए क्या? ट्रुप स्टैंड हो गए, आई थिंक ट्रुप स्टैंड हो गए। चलो दे देते हैं और दूसरे अटैक की तरफ चलते हैं गाइस। भाई टाइम हो रहा है, अपना इंटरनेट ज़्यादा होगा, यूट्यूब में वीडियो डाले गए चलता पर भी। तो गाइस मैं क्यों एडिक करके नहीं डालता यूट्यूब पे वीडियो, क्योंकि गाइस देखो आपको बता रहा हूँ, मेरी मोबाइल की उतनी औकात नहीं है कि एडिट करके डालूँ, स्टोरेज नहीं रहेगा। ठीक है, और दूसरी बात है, अगर मैं काइन मास्टर से करूँ तो वहाँ बताता है अनसपोर्टेड, कुछ तो बताता है गाइस, अनसपोर्टेड वीडियो नहीं, वीडियो नहीं बताता है, कुछ बताता है वो, फिर मैं भी बता नहीं सकता, मतलब मेरे को याद नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं एडिक्ट करके नहीं, वरना मुझे एडिक्ट करने मस्त आता होगा इसे एडिक्ट करने। मैं मेरा एक दोस्त है, उसका उसका भी एक यूट्यूब चैनल है, लेकिन उसका यूट्यूब चैनल का याद नहीं है नाम, और उसको उसका इतना मस्त मैं ही एडिक्ट करके दिया उसका वीडियो, खतरनाक एडिक्ट किया था गाइस। मैं जल्द से जल्द वो मेरे दोस्त का यूट्यूब चैनल पूछ के आपको बता दूंगा, आप ही देख लेना। फर्स्ट में बहुत ही मस्त मैंने एडिक्ट किया था वीडियो को, उसने मेरे थैंक्स बोला था, वैसे थैंक्स भी चलता है दोस्त से, क्यों मतलब वो सब पैसा वैसा मांगे यार, छोड़ो यार तुम क्या ही बोले, अभी चुप बैठोगे तो गाइस। अच्छा लूट का एक भी बेस नहीं मिल रहा, ओ भाई क्या लूट है गाइस, और ट्रॉफीज देखो 35 ट्रॉफीज, ओ भाई साहब व्हाट इज दिस, सॉरी मॉम गाइस, थोड़ा मम्मी ने डिस्टर्ब कर दिया वीडियो का टाइम, लेकिन मैं से शर्माता नहीं हूँ, क्योंकि सबके घर में सब रहता ही है, मतलब सबके घर में ऐसे रहता ही है, यूट्यूब वीडियो बनाने टाइम सब एक ना एक तो डिस्टर्ब करता ही है, घर के मेम्बर तो सब लोग क्या करते हैं, अरे मम्मी ने डिस्टर्ब कर दिया, पापा ने डिस्टर्ब, अभी फिर से री वीडियो बनाना पड़ेगा। लेकिन मैं कभी री वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि मेरा मोबाइल का स्टोरेज है और मेरे मोबाइल के इतना औकात नहीं है कि मैं री वीडियो बनाऊँ। ठीक है, आपको समझ में आता ही होगा कि मेरा भी कितना गंभीर परिस्थिति रहती है घर पर। तो गाइस यार रीच कहाँ से डाले भाई साहब, व्हाट इज दिस भाई, ये बहुत गुस्सा आता है जब मेरे को ये सब आता है बीच में। तो गाइस यहाँ एक रेज डाल देते हैं इसी के साथ बहुत खतरनाक तरीके से, या आपने सारे ड्रैगन्स एक डिफेंस को ले लिया है, एक ईडी को ले लिया है और दूसरे ईडी की तरफ चल रहा है, और अपने वो भाई साहब लून गया मस्त, वरना अपने बारबेरियन को बहुत खतरनाक तरीके से डैमेज देता था, और अभी अपना दूसरा ईडी भी चला जाएगा और अपने किंग भी अच्छी वैल्यू निकाल लिए इसी के साथ, शायद 20 या 30%। ओ गाइस 35 ट्रॉफीज मिल गई, और क्या ही लूट मिला यार, थैंक यू भगवान, आज मेरे किस्मत में बहुत अच्छा खासा लिखा था गाइस, मेरे आग के आंसू में नहीं रोक पा रहा हूँ, मैं आपके सामने नहीं रोक सकता। ठीक है गाइस, आज तक के लिए इतना ही, बाय बाय बाय, अलविदा ना कहें।